team! Enemy down! Target down! Enemy down! Target down! So hi guys, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई आज आपको हम बताएंगे बेस्ट जॉयस्टिक साइज और गाइस फास्ट जिगल मूवमेंट भी गाइस सारा कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो पे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर आप मिस मत करना कोई भी मतलब है, एक भी मतलब आप जगह मत मिस करना, क्योंकि यह वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस देखो बहुत सारे बंदे का क्या होता है, अगर मान लो सामने बंदे हैं और मान लो यहाँ पर कवर भी है, तो गाइज़ क्या होता है बहुत सारे बंदे का जो मतलब ये मतलब जो स्प्रिंट बटन जो आपका होता है गाइज़, ये वाला जो देखो रनिंग टाइप का जो एक आता है, देखो यहाँ पर जो लॉक हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो लॉक हो जाता है, तो वो क्या होता है मतलब आगे चल जाता है, आप कवर पे नहीं रह पाता। वो किस लिए होता है, जैसे कि मान लो हम सेटिंग्स पे जाते हैं, कंट्रोल पे जाते हैं, और ये वाला जो स्प्रिंट बटन है गाइज़ ये सामने रहता है बहुत सारे बंदे का, तो इसीलिए वो होता है। जैसे कि मान लो आप इधर से आओगे और सामने जस्ट आगे बंदा, तो आप यहाँ पर जाओगे, जैसे आगे यहाँ पर आपका लॉक हो जाता है तो आप आगे चल जाते हो, ठीक है। तो आपका ये चीज़ जो है ना, ये देखो जो गोल वाला, ये ऊपर जैसे जाता है थोड़ा सा तो ये लॉक हो जाता है और आप ऐसे कवर पे आते हो तो ये आगे चल जाता है आपका कैरेक्टर, तो इसीलिए आप मर जाते हो। तो गाइस आपको कैसे रखना है ये कुछ सारा कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो पे। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो आपका जो बेस्ट जॉयस्टिक साइज होता है, पहले ये बता देते हैं हम कि बेस्ट जॉयस्टिक साइज जो होता है, सेटिंग्स पे आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल पे जाते हैं, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 85 पे अभी मेरा है, तो ये बट आपको मतलब बताने के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि 85 में, लेकिन अगर आप इसे 100 भी रखते हो लास्ट, मतलब 100, ठीक है, ये 100 हो गया, 100 तक आप लास्ट रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखना नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। 100 रखो, 60 to 100, 60 से लेकर आप 100 तक रख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ 70 भी मैं रख सकता हूँ, देख लो 70 भी आप रख सकते हो, यहाँ पर जिगल वगैरह सारा कुछ सब सही होगा, लेकिन आप 100 से ज़्यादा मत करना, ना ही 50 से मतलब 50 करना, 50 बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आप 60 रखो, 70 रखो, 66 रखो, या फिर 100 रखो, या फिर 90 रखो, या फिर 80 रखो। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी आपको बताते हैं कौन सा जॉयस्टिक आपको रखना चाहिए अगर आपको मतलब आपका जॉयस्टिक सही है और आप आगे चले जाते हो। तो गाइज ये स्प्रिंट बटन है, इसको गाइज आपको ऊपर कर देना, ठीक है, इसको ऊपर कर देना, तो आपका जो वो प्रॉब्लम होता है आगे जाने वाला वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो आगे बंदा है तो आप कहीं से मतलब इधर से आओगे तो आपका जो है लॉक नहीं होगा, देख लो यहीं पर रुक गया, जो आपका पहले लॉक हो जा रहा था और आप इस तरह से आगे चल जा रहे थे वो चीज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, अगर आपका जॉयस्टिक सही है और आप आगे चल जाते हो तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो। अब गाइस जो बात आता है कि जॉयस्टिक, तो बहुत सारे बंदे का जॉयस्टिक जो ये चीज़ होता है जिगल होता है, या फिर बहुत सारे बंदे देखना इस जगह से स्टार्ट करते हैं जॉयस्टिक, मतलब उसका फिंगर जो है बहुत ही ज़्यादा, थंब जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है, तो वो देखना कुछ इस जगह से मतलब इस्तेमाल करते, तो गाइस उसको मतलब जिगल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता, तो उसके लिए ही मैं बेस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ सेटिंग कि कौन सा साइज आपको रखना चाहिए। जो गाइज यहाँ से मतलब जहाँ पर मेरा देखो टच हो रहा है, यहाँ से जिसका गाइज फिंगर जो है ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, उसके लिए कौन सा चीज़ रखना चाहिए। तो देखो सेटिंग्स पे आते हैं, कंट्रोल पे आते हैं और कस्टमाइज पे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये है जॉयस्टिक। तो ये चीज़ अभी ध्यान से समझो गाइज यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं समझोगे तो आपका जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ नहीं होगा। तो देखो पहले आप स्प्रिंट बटन जो है यहाँ पर ले आना, ठीक है, स्प्रिंट बटन यहाँ पर ले आना, उसके बाद जॉयस्टिक पे क्लिक करना। जॉयस्टिक पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, और ये वाला जो है ऊपर ऊपर नीचे ऊपर मतलब ज़्यादा कम करते रहना, और ज़्यादा कम करते करते ही स्प्रिंट बटन को आपको क्लिक करना। देखो ये स्प्रिंट बटन जो ऊपर है उसको क्लिक करना, बट कैसे करना है, इसको कम ज़्यादा जॉयस्टिक को करते करते स्प्रिंट को क्लिक कर देना। तो देखो आ गया स्प्रिंट पे ये हमारा टच, तो इसे आप एकदम छोटा कर दो, ठीक है, एकदम छोटा कर दो, और उसके बाद इसको जो है आप एकदम यहाँ तक पहुँचा दो, ये हो गया। अब जो आपका जॉयस्टिक को क्लिक करना है और इसको कम से कम आपको 60 पे या 70 पे रखना, तो चलो 66 मैंने कर दिया यहाँ पर, या फिर 65, तो हो गया ये चीज़। अब देखो यहाँ पर हम सेव कर देंगे, तो जैसे जो सारे बंदे रहते हैं कि यहाँ से मतलब उनका होता है तो कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है, आप यहाँ से करो और जिगल भी आपका अब होगा, ठीक है, ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर देखो इतना दूर तक मेरा फिंगर आ गया, आप यहाँ भी मतलब जिगल कर लोगे नीचे हल्का सा ला के तो आपका जिगल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे का देखना यहाँ तक फिंगर आ जाता तो आप इसे नीचे करके फिर जिगल कर सकते हो। और एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे बंदे का मतलब यहाँ से भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, जॉयस्टिक जो यहाँ पर आपका दिख रहा आप एकदम यहाँ पर कोने पर लेकर आ रहा हो। चलो ये भी आपको बताते हैं, हम कस्टमाइज पे जाते हैं, जॉयस्टिक पे पहले आपको ये करना है, क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐसे करते करते जूम आउट करते करते स्प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना। तो ये छोटा है आपको एकदम छोटा कर देना और इसको एकदम ऊपर पहुंचा देना, एकदम ऊपर, फिर जॉयस्टिक को यहाँ पर एकदम नीचे लाना है, फिर यहाँ पर स्प्रिंट बटन को हल्का से ऊपर करना, फिर जॉयस्टिक को क्लिक करके नीचे लाना, फिर स्प्रिंट बटन को ऊपर करना, फिर जॉयस्टिक को नीचे लाना, फिर स्प्रिंट बटन को क्लिक करना, ऊपर ले जाना हल्का सा, फिर जॉयस्टिक क्लिक करना, फिर स्प्रिंट बटन को ऊपर करना, फिर जॉयस्टिक को नीचे, फिर स्प्रिंट बटन ऊपर, फिर जॉयस्टिक नीचे। ठीक है, तो एक अंतिम इसका आ जाएगा भाई, तो उसके बाद आपका जो है नहीं नीचे जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर जॉयस्टिक जो है आपका, यहाँ पर आप 100 कर दो या फिर 75 या 74 कर देते हैं। तो देख लो यहाँ पर जॉयस्टिक कितना छोटा हो चुका, गायब हो चुका। तो अब तो वो लोग के लिए मतलब दिक्कत नहीं होगा जिसका फिंगर गाइज एकदम ऊपर तक चला जाता है, तो आप इजीली यहाँ पर जिगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऊपर अगर ऐसे ले जाते हो ऊपर से ही तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिगल भी कर सकते हो और पीछे भी देखो आ सकते हो, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे बंदे यहाँ से क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ से, तो ऐसे ऐसे हो रहा, अब आपको जिगल करना तो गाइज ईजिली, ठीक है, इजीली आप जिगल कर सकते हो क्योंकि आपका जॉयस्टिक जो ऑलरेडी नीचे है। तो आप यहाँ से अगर ये करते हो, वर्क कराते हो, तो आपको यहीं से आप नीचे करोगे तो देखो आपका पीछे भी होता है। तो इसलिए गाइज आप यहाँ से अगर आगे जा रहे हो तो यहाँ से आपका जिगल भी हो जाएगा। तो गाइज यही चीज़ है जो जिसका मतलब थंब जो इस जगह पर क्लिक होता है वो उसके लिए गाइज यही सेटिंग है जो मैंने आपको बताया कि जॉयस्टिक को एकदम नीचे पे रखो। और कैसे मैंने बताया कि देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कस्टमाइज पे जाना है, जॉयस्टिक जो है गाइज यहाँ पर। तो चलो अगर आपको मतलब सही करना है तो आपको क्या करना है, स्प्रिंट बटन जो है इसको आपको क्लिक करके एकदम यहाँ तक ले आना है और सेव कर देना, फिर एग्जिट करना, फिर कस्टमाइज पे आना। तो देखो जॉयस्टिक अभी आपका शो हो रहा है। तो अगर आपको ठीक करना तो आप इसी तरह ठीक कर सकते हो। और अगर आपको ये जॉयस्टिक को मतलब हाइड करना नीचे की ओर, तो आप जॉयस्टिक को यहाँ पर क्लिक करना और ये मतलब कम ज़्यादा करना और स्प्रिंट बटन को ऐसे ही कम करते करते ही क्लिक कर देना। तो स्प्रिंट बटन को यहाँ पर एकदम ये 50 पे कर देना और ये जो है यहाँ पर क्लिक करके ऊपर कर देना, फिर जॉयस्टिक को यहाँ पर छोटा करना कुछ यहाँ पर 65 तक, फिर इसको आप ऊपर करना, फिर जॉयस्टिक को यहाँ नीचे करना, फिर इसको ऊपर करना, फिर जॉयस्टिक को नीचे करना, फिर इसको ऊपर करना, जॉयस्टिक को नीचे, फिर ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर ऊपर, फिर जॉयस्टिक को नीचे। तो इस तरह करके आप सेव कर दोगे तो आपका जो जॉयस्टिक देख लो नीचे आ जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, जो थंब से मतलब ऊपर तक आप ये करते हो, मतलब जिगल करते हो या फिर लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हो, फिर आप जिगल भी करोगे तो आपका इजीली जिगल हो जाएगा। सो गाइज यही चीज़ आपको बताना था आज। तो चलो आपको ये चीज़ बता दी, अब आपको जिगल बताते हैं यहाँ पर जिगल किस तरह से करना है। तो गाइज देखो, मान लो कि यहाँ पर बंदा, ठीक है, ये वाला मान लो बंदा, तो आप अगर इतना क्लोज में हो तो आपको ये जिगल करना है, एकदम फास्ट वाला जिगल, ठीक है, ये वाला जिगल करना। अगर आप इतने में हो मिड में तो आपको ये वाला करना है, नॉर्मल ये करना है। और अगर आप कुछ इतना ही लॉन्ग पे और बिना स्कूप का मारना चाहते हो तो आपको ये जिगल करना है, कुछ इतना, ठीक है। तो यही चीज़ है जिगल का। आप क्लोज रहोगे तो आपको गाइज ये फास्ट जिगल करना है, फास्ट जिगल। और उसके बाद आप अगर मीडियम पे रहते हो तो आपको ये जिगल करना है कुछ इस तरह, ज़्यादा स्लो ना ही ज़्यादा कम। और आप ज़्यादा ही मतलब लॉन्ग पे हो तो आपको फिर ये वाला जिगल करना है, ये वाला, ठीक है। तो क्लोज में फास्ट और मीडियम में गाइज आपको मीडियम जिगल करना है और लॉन्ग में आपको लॉन्ग जिगल करना है। तो गाइज यही चीज़ आपको आज बताना था जॉयस्टिक के बारे में, मूवमेंट भी और आपका जो है दिक्कत होता है जॉयस्टिक आगे पीछे वाला, तो वो भी। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।